नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19, 20 और 21 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, उनके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे वर्तित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 19 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, ये दिन रविवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और शतभिषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो धृति नामक शुभ योग और शूल नाम का 2 शुभ योग रहेंगे। ये आपके घर के माहौल के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए लाभकारी स्थितियां आपको देने वाले होंगे। राहु काल के समय की बात करें तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 4:52 से लेकर शाम के 6:22 तक। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। इसके उपरांत दोस्तों, चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों, अगले दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी और दोस्तों पूर्व भाद्रपद नाम का इस दिन नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। वह दोस्तों, इस दिन शूल नाम के योग के उपरांत ही गंड नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय सुबह के 7:48 से लेकर सुबह के 9:19 रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ के उपरांत मीन में गोचर कर जाएंगे। वह दोस्तों, आखिरी दिन 21 सितंबर की बात करें तो मंगलवार के दिन होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और उत्तर भाद्रपद नाम का नक्षत्र इस दिन प्रारंभ होंगे। दोस्तों, ये दिन बहुत ही अच्छे योग हैं, वृद्धि नामा शुभ योग बन रहे हैं। राहु काल के समय दिन शाम के 3:20 से लेकर शाम के 4:50 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन भी मीन राशि में ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आपको परिवार का सुख मिलेगा और इस दौरान आप अपने परिवार जनों के साथ जो है उनके संग किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार भी करेंगे। दोस्तों, इस यात्रा पर यूँ तो आपका धन खर्चा होगा, लेकिन आपकी आमदनी जो है सही होने से आपका ये खर्चा ज़्यादा अधिक नहीं होगा। दोस्तों, लोगों के बीच आपकी जो लोकप्रियता यश में बढ़ेगी, आपका मान सम्मान अधिक बढ़ेगा। वह दोस्तों, यश में आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो स्थितियों में उठापटक महसूस हो सकती है, जिसे दोस्तों आपका मानसिक तनाव के साथ साथ धन की हानि के योग भी बनेंगे। दोस्तों, पैसे से जुड़ी कुछ परेशानी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप उसे अपनी काबिलियत से काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। दोस्तों, यश में आपके लिए कुछ तनाव और हलचल से भरा हुआ समय भी रह सकता है। मानसिक तौर पर आप कुछ बेचैनी यश में महसूस कर सकती हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरों के भरोसे कोई भी काम करेंगे तो नुकसान आपका हो सकता है, आपको यश में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, यश में मन पर नियंत्रण रखने और गंभीरता से विचार करने का समय रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपको मनचाही सफलता भी मिल सकती है, ईमानदारी से प्रयास की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यश में आपकी करियर को लेकर बात करें तो इन दिनों में आपको शांत मन से काम करने और करियर के लिए फैसले लेने के लिए समय होगा। दोस्तों, यश में कोई भी करियर संबंधित कोई भी फैसला हो या फिर कोई निर्णय लो, सोच समझकर शांत विचार से फैसले को लें। दोस्तों, यश में कार्य सफलता और उच्च पदाधिकारियों की जो कृपा दृष्टि के कारण आपके लिए दिन प्रसन्नता भरा भी रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि तथा सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, इन दिनों में आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो यदि आप अपने प्रेमी जीवन के साथ मिलकर किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों वह जो कार्य है आपको सफल होने की संभावना पाई जाती है। यदि आप अपने प्रेमीजन को बहुत प्यार करते हैं और वह भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपको समय के अनुसार उन्हें प्रपोज कर देना चाहिए।
दोस्तों यश समय जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए ये जो समय है, ये जो दिन है, काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं दोस्तों यश समय आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो मौसम के मुताबिक आपके लिए खान पान की आदतें में बदलाव करने का समय रहेगा। दोस्तों ये जो समय है लगभग पूरा समय आपके लिए शुभ ही रहेगा। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली रंग अंक रहेगा 8। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि कार्य में आपको उत्कृष्टता लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो समय है पहला चरण आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। दोस्तों यह समय आप अपने सगे संबंधियों के साथ कुछ अनचाही चर्चा में उतरेंगे, ऐसी संभावना है। वहीं दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में खुशी से भर जाओ। दोस्तों ये जो समय है आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों समय सीमा में पूरा करने की आप कोशिश करें। दोस्तों आप अपने काम की गति को तेज करेंगे। आप कई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित भी यश में कर सकते हैं। दोस्तों यश समय काम की क्वांटिटी से ज़्यादा काम की क्वालिटी पर बल देंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी जो पारिवारिक जीवन है इस पर अगर बात करें तो दोस्तों ये जो पूरे समय है आपके लिए काम के बाद जो समय निकलेगा उनमें आप किसी पार्टी या फिर क्लब में जा सकते हैं। दोस्तों यश में किसी के द्वारा की गई आक्रामक टिप्पणियों से आपका हसमुख और जीवंत स्वभाव को ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों यश में शांत रहते हुए जुनून को अपने लव लाइफ को रोमांचक बनाने दें। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यह जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। लेकिन दोस्तों यह जो समय है आपको भारी मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको यश में मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों यह समय आपको जो भी कार्य है यह कार्य के दौरान कर्ज में फंसने या फिर हानि होने की संभावना भी बनेगी। दोस्तों इन दिनों में दिन के दूसरे भाग में प्रवेश करते ही एक बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों आपका सपोर्ट सिस्टम पहले भाग में मजबूत होने से आप आगे बढ़ते रहेंगे। दिनों के दूसरे चरण में आप काफ़ी संवेदनशील रहेंगे। तन्हा रहने के लिए यह एक अच्छा दिन कहा जा सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी जो सेहत है पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। यूँ तो यश में आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी कि आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्चा न करें। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से स्वर्ग का अनुभव करा सकता है। दोस्तों यश में आपकी जो प्रेम है उनकी कहानी है एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी यश में आपसे शादी को लेकर बात भी कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इन दिनों में समय का पहिया जो है बहुत तेज़ी से चलेगा, इसलिए दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए काफ़ी कीमती समय का दिन होगा। इन कीमती समयों को आप सही इस्तेमाल करें। दोस्तों यश में आपका प्यार आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा भी दे सकता है। आपके दिन की जो शुरुआत होगी दोस्तों वो बहुत ही शानदार होगी और इसलिए इन दिनों में आप पूरे ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों यश में किसी नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करने से आपकी लव लाइफ जो है वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं अंत में आपके आने वाले भविष्य को और भी बेहतर बनाने के लिए और भी अपने जीवन में खुशियों का आगमन कराने के लिए आपको कौन से महत्वपूर्ण और भाग्यशाली टोटके को करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें, शाम के समय में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को इससे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इन बातों का ख्याल अपने डेली रूटीन लाइफ में रखें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।